हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉबली 0.2 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों बात करते हैं बीएसएफ आरओ आरएम भर्ती 2022, रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक भर्ती 2022। जैसा कि आप सबको पता है, रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक भर्ती की आपकी रिजल्ट की अपडेट हो, चाहे आपका मेरे दोस्तों यहाँ पर भर्ती की अपडेट होती है, फॉरम की अपडेट हो, सबको पहले सबसे पहले मैंने दी है। और इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले पीटी पीएसटी एडमिट कार्ड। अब कई कैंडिडेट बोलेंगे सर आप वो लंबी कूद और ऊंची कूद वाली तैयारी का वीडियो देखो। दोस्तों मैं वीडियो वो बना लिया था, पर मैं अपलोड इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरी खुद की डीआरडीओ की एग्जाम थी, इस कारण से मैं बहुत बिजी चल रहा था, इस कारण से मैंने अपलोड नहीं कर पाया। पर अभी मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, मनोबल को डाउन नहीं होने देना है, दौड़ में क्या करना है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, क्या टिप्स अपनानी है, किस तरीके से आपको करना है, ताकि आप यहाँ पर बीएसएफ आरओ आरएम का फिजिकल आप कंफर्म कर सको, यानी क्लियर कर सको। दोस्तों मैं बात करूं बीएसएफ आरओ आरएम की फिजिकल की, तो देखो दोस्तों आपको पता है यार, बीएसएफ आरओ आरएम की फिजिकल में आपकी नॉर्मल से आपकी 1600 मीटर की रेस है, जो आपका हर एक कैंडिडेट मार देता है यहाँ पर। और जहां तक पता है, जहां तक मेरे को पता है, आपकी यहाँ पर रोड के ऊपर दौड़ होने वाली है, ग्राउंड के अंदर होगी, वो सब कुछ मैं आपको वीडियो, जैसे ही आपका फर्स्ट दिन फिजिकल होगा उस दिन आपको हर एक ग्राउंड की रिपोर्टिंग दे दूंगा, ठीक है मेरे दोस्तों। यार बात करते हैं पीटी पीएसटी एडमिट कार्ड। देखो मेरे दोस्तों, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना वो सब कुछ मैं आपको, एडमिट कार्ड आते हैं मतलब, पर मैं आपको बता दूं, या तो आपका एडमिट कार्ड मेरे दोस्तों शनिवार आ जाए, शनिवार को वीडियो बना रहा हूँ, शनिवार आज शाम तक, यानी कि आज, यदि आज आ जाएगा तो ठीक है, वरना ये एडमिट कार्ड आपका रविवार को तो आने की कोई चांसेस नहीं है, बल्कि आपका सोमवार को आने की पूरी पूरी चांसेस है, सोमवार को एडमिट कार्ड आ सकता है। क्योंकि आपको पता है बीएसएफ आरओ आरएम का फिजिकल आपका 16 जनवरी से स्टार्ट है, 16 जनवरी से स्टार्ट है, तो कम से कम 10 दिन पहले ही वो एडमिट कार्ड दे देते हैं लगभग, ये आपका यहाँ पर 6 तारीख को दे देना चाहिए था, पर नहीं दिए तो कोई दिक्कत नहीं, 8 दिन पहले भी आपको एडमिट कार्ड दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने डेट फिक्स कर रखी है पहले से डेट फिक्स कर रखी, तो इसके बारे में आप कोई उनको जवाब नहीं दे सकते। पर देखो जैसे वो एडमिट कार्ड वगैरह की जानकारी आएगी, वो तो सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो देखने को मिल जाएगा, किस तरीके से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। वैसे मैं बता दूं आपको, नॉर्मली स्टेप बता देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले आपको सर्च करना है क्रोम ब्राउजर के अंदर बीएसएफ वोटर सिक्योरिटी फोर्स, इसके बाद जो ओपन रिक्रूटमेंट, न्यू ओपन रिक्रूटमेंट जो आपका है, ओपनिंग रिक्रूटमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको जो लॉग इन आईडी है उसके अंदर अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है और यहाँ पर एक एक्शन का बटन दिखाई देगा, एक्शन के बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक्शन बटन क्लिक करते हैं, आपको एडमिट कार्ड लिखा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करोगे तो आपके सेकंड फेज का एडमिट कार्ड यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। ये चीज तो आपके लिए महत्वपूर्ण, तो देखो एडमिट कार्ड आते ही आपको बता दूंगा और आपको लाइव रिपोर्टिंग आपको बता दूंगा किस तरीके से फिजिकल हो रहे आरओ आरएम भर्ती के। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आरओ आरएम के जो भी स्टूडेंट है, दौड़ में क्या सावधानी रखनी है, क्या नहीं रखनी, वो एक डिटेल से वीडियो कल आ रहा है, जिसके अंदर कल आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा, क्या सावधानी रखनी, क्या खाकर दौड़ना है, क्या खाकर नहीं दौड़ना है, किस तरीके से हमें फिजिकल क्लियर करना है, किस तरीके से नहीं करना, ऊंची कूद लंबी कूद में क्या टिप्स रखने, क्या नहीं रखने, वो सब कुछ आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेजा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।